तो गाइज आज का वेलकम मम्मी ने तो किया बने रहिए मेरी वीडियो पे पूरा देखना विदाउट स्किप करे। देखिए छुट्टी है और देखिए आज हमारे घर का सारा काम बिल्कुल फैला पड़ा है। आज पूरा घर फैला हुआ है क्योंकि हम भी आराम से उठे थे। हमें 2 घंटे लग जाएंगे घर का काम खत्म करने में। साथ ही तो नहा लिया, अब दिया नहाने जाएगी। दिया भी ना ली। अभी तो देखो गाइस मैंने इतना सुंदर तैयार करा है इसको नहला धुला के, लेकिन अब ना आधे घंटे बाद ही ये अपने सारे रबड़ हटा लेती है बालों से और गंदा सा बन के घूमता है। हेलो कर दो गाइस को, हेलो। हमारा घर का काम हो गया है, बच्चों को खाना खिला दिया, सुला दिया, अब हम खाना खाएंगे दोनों जने। अब हमारे लंच करने की बारी आ गई है, बच्चों को खिला के सुला भी दिया। तो गाइज अब हमने खाना खा लिया है, अब हम हो गए फ्री बिल्कुल। तो अब हम सो जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर, क्योंकि अब 4 बजे के बाद 4:30 बजे सात्विक को ट्यूशन लेके जाना होता है। तो गाइज आज हम बनाने वाले हैं मूंगरे मटर आलू की सब्जी, काटेगी दीपिका, बनाऊंगी मैं। ये देखिए
ये हो, इसको बोलते हैं मूंगरे। ये मूंगरे हैं, ये आलू है और ये मटर है। तो मूंगरे मटर और आलू की सब्जी बनने वाली है आज, और साथ में भल्ले बन रहे हैं। तो भल्ले हमने दिन में ही बना लिए थे, ये बना के रख देते पकोड़े। अब इसको गर्म पानी में भिगो के रखे हैं। भल्ले में पिसा हुआ जीरा जो हम पहले से ही सेक के रख लेते, तवे पे थोड़ा सा ब्राउन कर लेते डार्क, और उसको पीस लेते बेलन से। तो ये डाल दिया, इसके ऊपर से डल जाएंगे पकोड़े। तो मम्मी रेडी है बिल्कुल सब्जी बनाने के लिए, और आपको और मुझे भी सिखाने के लिए, क्योंकि मुझे भी नहीं आती, मेरे यहाँ पे नहीं बनती, तो मैं भी सीखूंगी और आप लोग भी सीख लेना। तो गाइस बनती तो बहुत टेस्टी है, आज मेरा भी मन कर गया कि चलो मैं भी सीख ही लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और मम्मी के साथ अच्छी अच्छी डिशेस देखने के लिए। तो गाइस रेसिपी शुरू हो चुकी है। तो अभी हमने कढ़ाई में डाला है रिफाइंड आलू, डाल दिए मटर भी डाले, तो गाइस ये आधी किलो मटर ली थी जिसमें से हमने आधी ले ली और आधी रख दी है ना। अगर ज्यादा लाइक करते हैं तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। हाँ, जिसको ज्यादा मटर पसंद हो वो ज्यादा डाल लेना। आलू को हल्के ब्राउन करने तक करना है, इसके अंदर थोड़ा सा हम जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा इसको भूनने के जीरे को इसके साथ। अब इसके अंदर हम ये डाल रहे हैं मूंगरे, धो के रखे हैं, काट के धो के रखे थे। अभी हम मिक्स कर रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा रंग बदल चुका है, ये देखिए। अब ये पानी भी छोड़ दिया, मूंगरे मटर ने पानी भी छोड़ा था, मूंगरे मटर डाले इसमें मूंगरे। अच्छा, धोए गए, थोड़ा पानी भी निकल गया। अब हम इसके अंदर ये चार टमाटर काटे थे, वो चार टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद ये देखिए पानी छोड़ दिया टमाटर के अपना। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। डाल देंगे हल्दी, अब ये डाल दिए मटर, नमक हल्दी डाल दी थी, अब हम डाल रहे हैं मटर। अब हम इसको मिक्स करके ढक के सिम पर रख देंगे, ठीक है, पकने देंगे ना। हाँ, सिम पे रखना है इसको, बिल्कुल सिम पे है, और बीच बीच में चलाते रहेंगे, ठीक है, बीच बीच में कच्ची चलानी है ना, सब चलाते रहेंगे। सब्जी ने तेल छोड़ दिया और टमाटर भी तकरीबन गल ही गए हैं। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, लाल मिर्च आप अपनी स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं, ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सब्जी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, अब इसको ढक के 3-4 मिनट और पकाऊंगी ताकि मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। जब तक सब्जी पक रही है हम दोनों साल हो गया, गैस बंद करी, सब्जी हमारी बनके तैयार है। अभी हमें जाना है गुरुद्वारे, कहाँ पर जाना है, रघुवीर नगर वाले गुरुद्वारे में जाना है, वहाँ पे मनप्रीत सिंह जी कीर्तनी आ रही है, लेने आ रहे हैं हमें। हम तो गाइस अमित आ गए हैं हमें लेने के लिए, बस अब हम निकल रहे हैं, मम्मी भी आ गई है नीचे उतर गए, बच्चे भी आ गए, चले अब चलो। हम वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। गाइस हम आ चुके हैं, और आज की जो स्पेशल सब्जी थी वो हम आज नहीं खाएंगे, वो खाएंगे कल, भल्ले भी कल खाएंगे, वैसे खाकर आए थे, बहुत टेस्टी लंगर था। अच्छा मेरी गाइस मैं दिया भी एलो कर रही है, एलो कर रही है, इसको बड़ा
क्रश हो गया। तो गाइस इस ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बाय बाय।